हेलो भाइयों, साहिल छिम्पा के इस चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम रिव्यू करेंगे ह्यूंडई ग्रैंड i10। इस गाड़ी को हमने कल परचेज किया था, यानी 1 जनवरी 2020 को, और आज 2 जनवरी 2020 है। और आज हम इसका टोटल रिव्यू करेंगे। वैसे तो मैं इसकी हर छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन की वीडियो बनाता रहूँगा आपके लिए। और ये एकदम ब्रांड न्यू हमने स्टार डस्ट कलर में परचेज की है। ये कलर हमें अच्छा लगा। वाइट कलर में इतनी बढ़िया नहीं लगती जितनी स्टार डस्ट कलर में लगती है। और ये इसके स्टैंडर्ड हैलोजन लैंप प्रोजेक्टर ग्रैंड i10 न्यूज में आते हैं। और ये स्पोर्ट्स मॉडल है। और ये फॉग लैंप और ये DRL जलने के बाद कुछ ऐसी लगती है। और ये 3D ग्रिल है। और ये ह्यूंडई का सिग्नेचर, यहाँ पे कुछ क्रोम का यूज हुआ है। और ये रूफ रेल्स है जो इसको स्पोर्टी बनाती है। और ये रियर स्पॉइलर जो भी इसको स्पोर्टी बनाता है। आप देख लो इसको सोच के, अगर ये स्पॉइलर ना होती कितनी अच्छी लगेगी। और ये एंटीना, ये रियर डीफॉगर, वाइपर वॉशर इससे अपर मॉडल में आते हैं। और ये इसका कैमरा आप देख सकते हैं। और ये इसका बूट स्पेस, ये शायद तक 278 लीटर का है, बाकी मेरे को पता नहीं। और ये कोट हैंगर, यहाँ पे लाइट आती है जो इससे अपर मॉडल में आती है। और ये स्पेयर टायर इसका, जो कहीं पे टायर फट जाए और काम आता है। और ये टूल किट भी है। इसका बिल है। और ये जो ये रेड कलर वाला होता है ना, गाड़ी खराब होने पर रखते हैं, ये वो है। और ये फर्स्ट एड किट जो इसके साथ में आई थी। और अभी तक हमने इसमें कोई भी एक्सेसरी का सामान नहीं लगवाया, आफ्टर मार्केट सब कंपनी से ओरिजिनल है। हमने कुछ काम भी करवाए हैं साथ में इसमें। ये जो एंटीना, ये कंपनी से ओरिजिनल लगा है। और अभी भी कुछ काम पड़े हैं बाकी। ये पीछे भी सीट देखिए, पैसेंजर साइड सीट, आर्मरेस्ट नहीं मिलता, i20 में भी नहीं मिलता, i10 में भी नहीं मिलता। और यहाँ भी फिक्स एडजस्ट है, टॉप मॉडल में ये एडजस्टेबल मिल जाते हैं। और ये सीट बेल्ट पैसेंजर्स के लिए, कागज को कैसे लगा के दिए बढ़िया तरीके से। और ये रियर एसी वेंट, और यहाँ पे एक मैक पॉकेट भी मिल जाएगी। और यहाँ पे आर्मरेस्ट नहीं मिलता, i20 में मिलता है वो। और ये बोतल होल्डर, और यहाँ पे कुछ रख सकते हैं आप कोई जरूरत की चीज हो। चारों पावर विंडोज मिलेगी इस वेरिएंट में। ये भी यहाँ पे एक बोतल होल्डर है। आइए ड्राइवर साइड सीट पे चलते। और ये देखिए इसका मीटर, जो इसको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कहते हैं, तो इसमें की लगाते हैं। टंकी फुल है भाई।
और ये थ्री स्पोक स्टेयरिंग व्हील, मीडिया कंट्रोल यहीं पे मिलते हैं स्टेयरिंग पे इस मॉडल में। और ये उसका मीटर के लिए होता है, जो मीटर होता है ना। ये देखिए, ये यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये इंजन रनिंग टाइम भी दिखाएगा। और ये 24.2, ये 17.5, ये ट्रिप मीटर है। और ये 25 किलोमीटर टोटल चल गई है। और ये म्यूजिक है, ये देखिए इसी साउंड दिखा दे। साउंड क्वालिटी बहुत बढ़िया है, वैसे ही गुंडी की साउंड क्वालिटी बढ़िया होती है। 7 इंच का टच प्ले इंफोटेनमेंट सिस्टम है। एक मिनट, थोड़ा कैमरे का फोकस आउट हो गया, सही कर देता हूँ। हाँ, अब सही है। ये 7 इंच का टच प्ले इंफोटेनमेंट सिस्टम है। और यहाँ पे ग्लोव बॉक्स मिल जाता है, ये कूल ग्लोव बॉक्स है। और ये जो ही साथ में आते हैं ना, बुक्स वगैरह, तो कहीं पे कोई दिक्कत हो। ट्वेल्व वी का पावर आउटलेट सॉकेट है फोन चार्ज करने के लिए। और ये ऑक्स पोर्ट, यूएसबी पोर्ट। और ये सपोर्ट करेगा एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, मिरर लिंक, इमेज, वीडियो, म्यूजिक, रेडियो। और ये ऑक्स यूएसबी तो आई फिर। और इसमें चलिए अब रिवर्स कैमरा देखते हैं। बहुत अच्छा वाइड एंगल डिस्प्ले आ जाता है इसके अंदर। तो चलिए अब थोड़ा सा बाहर से भी दिखा देते हैं। और ये यहाँ पे जो मूर्ति वगैरह लगाते हैं, लगा दिए कंपनी वालों ने, फ्री दिया था। और ये पीछे देखने के लिए मिरर है डे नाइट के साथ। और ये वैनिटी मिरर सनसेट में। और यहाँ पे मिलेगा एक टिकट होल्डर। और ये माइक कॉलिंग के लिए, ब्लूटूथ से कॉलिंग करना हो, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, जिससे भी कॉलिंग करनी हो उसके लिए माइक है। और हाँ, मैं की दिखाना भूल ही गया, कुछ इस तरह की मिलती है एक, और एक स्टैंडर्ड की मिलती है जिसमें रिमोट अवेलेबल नहीं है। वैसे ये एक की बहुत होती है, दूसरे की जरूरत ही नहीं होती। और हाँ, यहाँ पे यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं आउटसाइड मिरर्स को। ये देखिए, और ये लॉक अनलॉक की विंडोज को जो रोकता है डाउन अप होने से। और ड्राइवर साइड विंडो ऑटो डाउन मिल जाएगी। एक बार मैं आपको डैशबोर्ड का पूरा लुक दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से दिखता है डैशबोर्ड। अब देख लीजिए बढ़िया तरीके से, ये बहुत बढ़िया लगता है। और हाँ, एक बात मेरे को इसमें सबसे बढ़िया लगी, वो है ये गियर है जो ऊंचाई में ठीक है, आसानी से लग जाता है। और यहाँ पे कुछ स्पेस है, अगर फोन रखना हो तो यहाँ पे रख देते हैं, आसानी से उठा लेते हैं।
कोई और गाड़ियाँ होती उनमें यहाँ पे नीचा सा होता है बिल्कुल ही, जो बढ़िया नहीं लगता इतना। ये रिवर्स पार्किंग सेंसर्स दिखा लिए, ये टेल लाइट, ये फ्रंट का बोनट खोलते हैं उसके बारे में बात करते हैं। और ये टायर R14 मिलते हैं, यानी 14 इंच के अलॉय नहीं स्टील व्हील है ये, व्हील केप के साथ। इससे अपर वेरिएंट के अंदर अलॉय व्हील मिल जाते हैं। ये देख लीजिए, ये हमने पेट्रोल के अंदर खरीदी थी। इसके अंदर VT कापा 1.2 लीटर का इंजन मिल जाता है, 1197 सीसी का है। और इसमें मेरे को एक बात बढ़िया नहीं लगी, ये जो देखिए इसके आर पार दिखाई दे रहा है, तो कमेंट करके बताइए आपको ये कार कैसी लगी।